बेटी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमारा दिल्ली में लास्ट दिन है और बाकी हम सारा अपना रेडी हो गए, सामान पैक हो गया यहाँ से निकलने के लिए। और देख सकते हो कि यहीं पे हम लोग रुके हुए थे ऊपर में, और फिलहाल भैया लोग भी रेडी हो गए, इनका साइन का ले सब रेडी हो चुका है। और अब हम लोग आज दिल्ली को बोलते हैं बाय बाय, बाय बाय दिल्ली, और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस ब्लॉग, लेट्स गो बाय बाय दिल्ली। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, पूरा मतलब रास्ता खाली पड़ा है भाई। नहीं तो यहाँ जैसे कि शाम हो जाए या फिर अभी और थोड़ा देर हो जाए तो पूरा रास्ता जो है यहाँ दिल्ली पूरा भर जाता है मोहल्ला। और चलिए अब हम लोग निकल गए यहाँ से, तो देखते हैं आज कितना किलोमीटर कवर करते हैं हरिद्वार के तरफ में, हर हर संभव। और अभी हम लोग यमुना नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, जो कि यमुना नदी वृंदावन और आगरा साइड से भी क्रॉस हुआ है जो हम लोग घूमे। और अभी यहाँ दिल्ली से भी वही यमुना नदी क्रॉस हुआ है, इसी के पुलिया के ऊपर से भी हम लोग क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। बाकी एक भैया आगे हैं और एक सूरज पीछे है। भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। रोड वैसे अच्छा है, चलिए 600 मीटर आगे है यहाँ पे सोते हैं। कहाँ पे मंदिर? 600 मीटर हाँ। चलो भाई मंदिर मिल गया 600 मीटर आगे, तो वहीं से एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, मजा आ जाएगा। बोले तो सब प्रभु का कृपा है, वो हम लोग को मतलब मस्ती में रखता है, मस्ती में रखता है, कोई दिक्कत होने नहीं देते हैं प्रभु। एवरीथिंग अबाउट ओके। चलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो भाई अभी रुके हैं हम लोग जूस पीने के लिए, और पीते हैं किस चीज़ का, बेल का शरबत। चलिए, गर्मी बहुत लग रहा है यार, ये वाला टी शर्ट में और भी गर्मी लग रहा है, चेंज कर लूँगा आगे चल के अगर होगा तो। बाकी भी पीते हैं, तो ग्लास दे रहे हैं। अभी जाएंगे केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, उधर से उधर जाना। तो दोस्तों हम लोग अभी आज टोटल 38 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं अभी तक, और सुबह का भी 9 बज गया है। केले ले लिए, केले खाइए मजे कीजिए। उसको नहीं दे रहे, एक उसको दे दे तू। हाँ कहाँ गया वो? तो है दोस्तों अभी हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे, और किस लिए रुके थे? पेट्रोल भरवाने के लिए। नहीं तो हम लोग रुके थे भैया ठंडे ठंडे पानी भरने के लिए यहाँ फ्रीजर से, और हमने ठंडा पानी भर भी लिया, पी भी लिया, और फिलहाल रेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग, और वीडियो भी अपलोड कर दिया। तो मज़ा आया यहाँ रुक के, और अब हम लोग यहाँ से 2 मिनट के बाद निकलते हैं अपने सफर पे। वीडियो बढ़ा की सूरज भैया भी इंस्टा चलाने में लगे हैं। हेलो इंस्टाग्राम ब्रो। हेलो दोस्त, इंस्टाग्राम चलाते हो तुम? हेलो हेलो, जियो वाले मैडम की वीडियो नहीं बनाई तूने, कैसे वायरल होएगा मुझे ये बता। अच्छा मैडम क्या कर रही है? हम पेट्रोल भर रहे हैं भैया। अच्छा इसमें थोड़ा सा भर दीजिएगा आप।
ओके गाइस चलते हैं फिर हम लोग अपने यात्रा को करते हैं कंटिन्यू यहाँ से और मिलते हैं फिर आपसे। हर हर महादेव। बाकी वो दोनों भैया जो हैं वो लोग पीछे ही रह गए क्योंकि आप लोग तो जानते हो ये आपके भाई से आगे कोई निकल सकता है क्या? बताओ कोई निकल सकता है क्या? अरे यार चलो ये तो है मेरे साथ साथ पर सूरज हल्का सा पीछे चल रहा है। निकल गए यार आप लोगों का भाई से आगे कैसे निकल गए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप इन लोगों के भाई से आगे निकल सकते हो क्या? मैं गियर वाला साइकिल लेके उड़ रहे हो मुझे पता है। चलो तो पूरी दोपहर हम लोग यहाँ पे रेस्ट किए और उसके बाद उठकर अभी 3 बजे से हम लोग मतलब खाना अभी बनाया सूरज और फिर खिचड़ी तैयार हो गया अपना अभी उसी को खाते हैं। और एक और भैया हमारे साथ इनका जय बोलेगी खाइए खिचड़ी खाया स्मार्ट खिचड़ी है भैया अभी हरिद्वार तक हमें भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल भैया ने बनाया स्मार्ट खिचड़ी मैं बनाता ही स्मार्ट खिचड़ी। हाँ चलो मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे पानी पीना है क्या? रुकिएगा नहीं नहीं चलते चलते पी लेंगे चलते चलते पी लोगे। ओके प्यास तो वैसे मेरे को भी लगा है। रब देखकर तो दर ना मुड़दी दर दरिया हो गल ना मुड़दी रब देखकर तो गल ना मुड़दी दर दरिया हो गल ना मुड़दी हो वसो हो जे गला पार ते नचना पैंदा है यार ते नचना पैंदा है ओ आ जाया आ जाया आ जाया ले दीदा। वाह वेरी नाइस। आगे मुझे नहीं आता मेरा को भी पूरा गाना याद नहीं आता है वैसे मैं गा रहा हूँ एक लाइन भी याद नहीं। हाँ ये वाला गाते हैं ये वाला गाते हैं कौन सा? जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्यास के मारे मेरा वोट सूख गया पानी पी लो ना रुक के रुकू क्या? हाँ रुक जा आगे हो मेरा ये वाला देखो भाई आगे का जो ब्रेक है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखो मैं पूरा दबाया हूँ आगे का ब्रेक पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है टूट गया है। बनवाएंगे इसे आगे चल के। मैं पीछे वाले ब्रेक पे भी चल रहा हूँ फिलहाल तो वो भाई कैसे रुकूँ कैमरा हाथ में है अपने रुकेगा खुद रुकेगा। रुक जा भैया रुक जा मेरे साइकिल महाराज रुक जा हो रुक जाना नहीं रुकेगा क्या रुक गया। और यहाँ का व्यू देखो सामने से जस्ट हम लोग जिस रोड से चल रहे हैं बस रोड के जस्ट किनारे किनारे से हरिद्वार से गंगा मैया आई है जो कि जा रही है। हो ब्लॉग बना रहे हो अपने? यस आई एम मेकिंग वीडियो टू दिस इज युवराज सिंह आप एज यूजुअल जानते हैं ये गोप्रो के अंदर मेरी वीडियो बना रहे हैं हम सिंगिंग के मजे ले रहे हैं हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बाकी सूरज जो है पीछे रह गया अब वो बार बार रुक जा रहा है वो खुद बोला है कि तुम लोग जाओ जहाँ तक जा पाओगे हम लोग आ मैं आ जाऊंगा कोई बात नहीं ब्रो। हो एक मिनट देखेंगे लगभग 8 बजे के करीब करीब कहाँ पे रुकने के लिए जगह मिलती है और कहाँ रुकते हैं तब तक बने रहिए आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग के साथ इस नए राइड के साथ। जय जय भारत जय भारत। गर्मी के दिन में अगर पानी लेके नहीं चलूंगा तो हालत खराब हो जाएगी खराब हो जाएगा कम से कम बहुत जरूरी है। हाँ कम से कम दो तीन तो मैं तो 2 बोतल लेके चलता हूँ कम से कम 2-3 बोतल चाहिए कि इमरजेंसी में भाई कहीं बोतल ना भी मिले कोई है ना तो कांट एक रिस्क यार। वैसे पानी की कमी नहीं है हमारे आसपास में कहीं भी मिले जा रहा है फिर भी जैसे वो नलका लगा हुआ देख सामने बिल्कुल चिल्ड पानी मैंने अभी तो जाओ मैंने अभी आधा बोतल पानी खत्म कर दी बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए तो भाई सही बोलूँ ना
हालत ख़राब हो जा रहा है साइकिल चलाने में। बहुत लोग सोचते होंगे कि साइकिल चलाना ट्रैवलिंग लाइफ इतना भी आसान है, और वो तो हमें ही पता है भाई। क्यों बहुत लोग सोचते होंगे ना कि साइकिल चलाना बहुत आसान है? नॉट वेरी इजी बट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। थोड़ी देर मेरे कैमरे से आप ब्लॉगिंग करो, ओके? मैं तब तक बॉटल पैक करता हूँ, बात करो। यस गाइस, मैं एज यूजुअल आप जानते हो काफ़ी बार इस ब्लॉग के अंदर आप मुझे देख चुके हो। अपने बारे में बताइए अच्छे से। मैं, मेरा नाम जय हिंद 29 एज यूजुअल मेंशन कर चुका हूँ मैं काफ़ी बार। हम साथ में मिले थे लगभग वृंदावन से पहले, तब से हम लगभग 5-6 दिन से क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंडिंग टुगेदर, और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। साथ में सिंगिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नहर में, मस्ती करते हैं। ये आज गंग कैनाल के अंदर हम नहाए भी थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मस्ती ज़रूरी है सफ़र के अंदर, क्योंकि मस्ती नहीं होगी तो बोरिंग होगी, और बोरिंग लाइफ किसे चाहिए भाई। बाकी वो जो हमारे साथ सूरज है वो कान में लगा लिया है एयरफोन, और सूरज आराम से गाना सुनते सुनते आ रहा है। हम लोग का सूरज ढलने वाला है, क्या पता, कुछ मतलब नहीं है, एकदम पीछे पीछे चल रहा है 5 के। वो बहुत ज्यादा धीरे चलता है ना, वही तो। वो बहुत ही ज्यादा धीरे, इतना धीरे। और हम लोग उसके इंतजार में रुक रहे हैं, तो आकर वापस क्या बोल रहा है, बस इतना ही चला पाए। तुम लोग जहाँ तक जा सकते हो चले जाओ, मैं पीछे से तुम लोग को पकड़ लूंगा। दैट वाज ट्रिकिंग, इट्स राइट। जहाँ तक हम लोग जाते हैं यार बजावे, आ गया आ गया आ गया, रस्ते का माल सस्ते में आ गया, मजा आया। अल्लाह गावे, बंद करो अपना भोपू, बंद करो अपना भोपू, इसका भोपू सुनते हैं। कैसा लगा भाई? भाई तुम लोग बहुत हॉस्पिटल है यार, है बहुत ज्यादा। खुद बोला था कि नहीं कि तुम लोग जितना जा सकते हो जाओ। पेट भी दर्द करने लगा, शरीर भी दर्द करने लगा, पेट भी दर्द करने लगा। सो जाए यार, रोडी पे सो जाए। उसका साइकिल बहुत घटिया है, घटिया घटिया नहीं है, घटिया खड़ा कर दिया। मैंने उस दिन चलाया था, अच्छा चलता है, ये पेडल नहीं मार रहा, ये कहता है बिना पेडल चले, वैसा है ही। हाँ तो चलते हैं गाइस, आप लीजिए मेरे साथ, शरीर के अंदर ठंडा पानी पी ले उधर से। मैं रुका हूँ गन्ने का जूस पीने के लिए, इतनी गर्मी में साइकिल चला चला कर भाई पसीना आ जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अब बहुत जल्द हरिद्वार पहुंच जाएंगे, एक दिन और लगेगा। फिलहाल तो अभी पीते हैं हम लोग गन्ना का जूस, यहाँ पे मीठे मीठे गन्ना का जूस, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी सूरज भाई जो है अभी पीछे ही रह गया, उसका भी इंतज़ार करते हैं यहाँ पर रुक कर, खास उसी के लिए रुके हैं हम लोग, और यहाँ गन्ना भी पी लेते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। चलो स्नान हो गया, और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, देखते हैं 10 किलोमीटर आगे जाके यहाँ से अभी, और स्टे कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आशा करता हूँ ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। स्टे कर लिए, देख सकते हो कि इस साइड में हम लोग अपना साइकिल को लगा चुके हैं, और आपको बताएं तो हम लोग एक शंकर जी के मंदिर में रुके हुए हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ जाकर। और यहाँ का देख लो क्या मतलब यहाँ का जगह है, और बाकी इस साइड में हम लोग को सोने के लिए यहाँ देख सकते हो बेड वगैरह सारा सामान है, और यहाँ पे हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं रात में। और इस साइड में आपको दिखाते हैं भोले बाबा का मंदिर, ये देखो भोले बाबा का मंदिर है, यहीं पे हम लोग आज रात में रुके हुए हैं। बाकी यहाँ सारा व्यवस्था है, पंडित जी यहाँ थे तो उनसे बात भी हुआ। और चलिए आज का सफ़र यहीं तक रहेगा, बाकी कल सुबह हम लोग यहाँ से उठ के हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहो, हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, हर हर महादेव।